सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज मैं आपको बताऊंगा बीएमसी की कुछ साइकिल है दोस्तों, बोरिंग साइकिल जिनको बोलते हैं अपन, बोरिंग साइकिल्स हैं। एक जो ड्रिलिंग साइकिल थी GT1 82 83 84, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था दोस्तों और आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया। तो आज मैं बता रहा हूं आपको बोरिंग साइकिल्स के बारे में। बोरिंग साइकिल कई प्रकार की है दोस्तों और उनमें क्या क्या फर्क है, तो लोग बाग समझ नहीं पाते कि बोरिंग साइकिल में क्या क्या फर्क है। तो मैं बता रहा हूं आपको बोरिंग साइकिल कौन कौन सी है। G85, ठीक है, G86, G87 और G88। ये दोस्तों चार साइकिल है बोरिंग की, बोरिंग साइकिल्स है वीएमसी के ऊपर। तो चारों साइकिल दोस्तों अलग अलग सबका फंक्शन है और क्या क्या फंक्शन है थोड़ा डिफरेंट है इनमें, और डिफरेंट क्या क्या वो सारी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बढ़े रहे, चैनल के साथ बढ़े रहे, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस प्रोग्रामिंग का। तो वीएमसी का टॉपिक है मेरा, वीएमसी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये मेरे जो 85, 86, 87, 88 ये जो साइकिल है, इन चारों साइकिलों में क्या क्या फर्क है, करनी चारों से बोरिंग है, चारों से बोरिंग करनी है लेकिन चारों में फर्क है दोस्तों। अब क्या फर्क है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे से देखना समझना। सबसे पहले मैं पकड़ता हूं G85। G84 तक तो अपना टेपिंग साइकिल है, G84 टेपिंग साइकिल है, G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल है और G82 ड्रिलिंग साइकिल है विद ड्यूल टाइम, और G81 सिंपल साइकिल है। G85 के बारे में बताऊंगा मैं आपको, G85, ठीक है दोस्तों। ये G85 है, इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट G85 प्रोग्राम फॉर्मेट G85 X Y Z R और F K K। तो दोस्तों G85 बोरिंग साइकिल है, एक्स और वाई की पोजीशन है, जहां भी जिस होल में अपन कर रहे हैं उसकी एक्स वाई की पोजीशन, जेड की वैल्यू जितनी डेप्थ में जाना वो है, एफ फील्ड है और के नंबर ऑफ रिपीट है, यहां पे कितनी बार आपको रिपीट करनी है साइकिल, रिपीट नंबर, रिपीट कितनी बार ऊपर नीचे चल रहा है वो है नंबर ऑफ रिपीट, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूं इसका यूज कैसे। जैसे मैंने ये एक प्लान ले लिया, ये मेरा प्लेट का प्लान है, इस प्लेट के प्लान पर यहां जेड जीरो है अपना, ये जेड जीरो है यहां पे, और आर अपन ऊपर लेके चलते हैं, आर की वैल्यू 2 mm 3 mm जो भी डालना है वो लेके चलना है। अब मेरे जेड यहां तक जाना है, लेट से जेड माइनस 20 है, ठीक है दोस्तों। तो जेड माइनस 20 है, तो अब इस G85 में क्या है स्पेशल, G85 बताता है कि जितनी फीड से अपन जेड माइनस में जा रहा है उतनी फीड से अपना आर पॉइंट तक आएगा। तो मैं लिख देता हूं G85, एक्स वाई की पोजीशन आप डाल लेना जो भी आपका बनता है, जेड माइनस 20, एफ 100 और के 1, आर 3, ठीक है। तो आर 3 यहां से 3 mm से नीचे तक जाएगा, 3 + 20 तो 23 mm टोटल ट्रेवल हो गया, और फिर इसी फील्ड से एफ 100 से टूल आर 3 तक आएगा। ये G85 में डिजाइन है साइकिल के अंदर फानुक में, तो ये फानुक का ही है, सिर्फ फानुक सिस्टम में, सीमेंस में नहीं है। तो G85 का पता बता दिया आपको कि जितनी फीड से टूल आएगा उतनी फीड से
ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया GAT5। अब चलते हैं अपन GAT6 पे। GAT6 का फॉर्मेट दोस्तों सेम वही फॉर्मेट है, GAT6 X Y Z R F और K, फॉर्मेट सिर्फ वही रहेगा, तो दोनों में फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं है। अब यहां क्या फर्क है मोमेंट में, वो मैं आपको बता रहा हूं। GAT6 में दोस्तों, GAT6 में क्या होगा कि जिसमें यहां तक टूल आया, Z-20 तक आया, तो यहां पर पड़ा स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहां स्पिंडल स्टॉप होके फिर रैपिड में ये निकलेगा, ये ट्रेवल जो होगी वो रैपिड में होगा, तो फीड यहां तक ही चलेगी, उसके बाद स्पिंडल स्टॉप होके ऊपर जाएगा। तो ये 86 है, GAT6। ठीक है, GAT6 के बाद अपना आता है GAT, फॉर्मेट सेम रहेगा दोस्तों, के और के की वैल्यू वही है जो आप रिपीट करोगे, कितनी बार रिपीट करना है वो है एफ आर, एक्स वाई की पोजीशन और जेड कितना जाना है वही सेम चीज है। GAT7, अब इसके बाद GAT7 में बता दो क्या है। GAT7 ये भी बोरिंग साइकिल है, GAT7 में दोस्तों क्या होता है फॉर्मेट इसका, GAT7 एक्स वाई जेड आर एफ के और क्यू, इसमें क्यू और एक जुड़ जाता है दोस्तों, क्यू जुड़ने के बाद ये शिफ्ट अमाउंट मांगता है, जैसे मेरा कोई बोर है, ये बोर है, ये बोर है और ये टूल मेरा ये है, टूल का डायमीटर। ठीक है, और ये बोरिंग बार की नोके जो काट रही है इसको, जब ये GAT7 चलेगा तो यहां पे नीचे आने के बाद स्पिंडल यहां स्टॉप हो जाएगा और जो क्यू की वैल्यू है वो इसको यहां इधर दूसरी साइड में शिफ्ट कर देगा, ओरिएंटेशन होगा, स्पिंडल स्टॉप नहीं होगा, स्पिंडल ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन स्पेंडर ओरिएंट होके एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इसके जो कटिंग एज है उसके विपरीत साइड में, और फिर ये ऊपर निकल जाएगा टूल रैपिड में। ठीक है, तो इतना, ये GAT7 G76 दोनों साइकिल सेम है, दोनों साइकिल सेम है, अगर 76 किसी सिस्टम में नहीं है तो 87 बिल्कुल चलेगा और दोनों भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू अपन मैक्सिमम कितना डालते हैं, 0.1, 0.2, क्यू 0.1 विदाउट साइन होगा, ये विदाउट साइन, बिना कोई साइन के 0.1, तो हमेशा अपन इसी तरह से लिखते हैं 0.1, 0.2। तो ये हो गया GAT7 बोरिंग साइकिल, फाइन बोरिंग साइकिल बोल सकते हैं इसको, इसका दूसरा नाम फाइन बोरिंग साइकिल है, फाइन बोरिंग साइकिल। तो फाइन बोरिंग साइकिल GAT7 और G76 दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद एक सेवन के बाद एक साइकिल और है दोस्तों, G88। G88 ये भी बोरिंग साइकिल है, इनमें क्या फर्क है दोस्तों वही मैं बताने की कोशिश करता हूं। G88 का फॉर्मेट G88 एक्स वाई जेड आर एफ और पी और के, इसमें पी और जुड़ गया दोस्तों, पी है
ड्वेल टाइम, यहां पे ड्वेल टाइम है, ठीक है। अब यहां पे भी ये स्पिंडल इस डायरेक्शन में ये स्पिंडल स्टॉप होगा और दिए गए ड्वेल टाइम पे पी की फॉर्म में ड्वेल टाइम देंगे 100 दे दिया, तो ड्वेल टाइम 10 सेकंड के लिए रुकने के बाद ये वापिस रैपिड में निकल जाएगा दोस्तों। तो ये भी उसके फॉर्मेट है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ स्पिंडल स्टॉप होगा, पी की वैल्यू देंगे, आप क्यू भी इसमें यूज कर सकते हो, क्यू की वैल्यू अगर आप फाइन बोरिंग यूज करते हो तो क्यू देने के बाद जो जितना शिफ्ट अमाउंट है वो शिफ्ट होने के बाद स्पिंडल स्टॉप होगा, ओरिएंट होगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो चारों साइकिल दोस्तों बोरिंग की है, तो जो आपको यूज करनी है वो यूज करें अपने ऑपरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।